डिप्रेशन केवल उदास लगना या दिन खराब होना नहीं, उसे कहीं अधिक है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे से कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि सातपुते आज आपको डिप्रेशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हमने कभी ना कभी सब ने जिंदगी के पड़ाव पे खुद को कभी उदास महसूस किया होगा, भले वो असफलता की वजह से हो या अपने से बिछड़ने का गम हो। लेकिन जब ये उदासीनता या निराशा बहुत लंबे समय तक रहती है, जैसे कुछ हफ्तों या महीनों तक, और उस उदासीनता की वजह से हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन है। सबसे पहले दिन भर उदास महसूस होना, नींद कम आना या ज़्यादा आना, थकान महसूस करना, एकाग्रता से काम नहीं कर पाना, मनपसंद चीज़ों में रुचि नहीं आना, आत्मविश्वास खो जाना, छोटी छोटी बातों पे जल्दी रोना आना, खुद को दोषी मानना, अयोग्य और हताश महसूस होना और आत्महत्या के विचार आना। डिप्रेशन के कई कारण हैं। सबसे पहले ये अनुवांशिक होता है, जैसे ये परिवारों में चलता आता है। इसका मतलब अगर किसी के फैमिली में डिप्रेशन की बीमारी हो चुकी है तो उस व्यक्ति के को डिप्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है तनाव। अगर कोई इंसान लंबे समय तक तनाव में रहता है या स्ट्रेस में रहता है तो चांसेस है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा कारण है अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा कारण ये हो सकता है कि अगर किसी के परिवार में माहौल बहुत तनावपूर्ण है तो चांसेस है कि उस व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का निदान यूजुअली साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जो मैंने लक्षण बताए इसमें से अगर कुछ लक्षण बने रहते हैं जो 2 हफ्तों से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इलाज है। डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 प्रकार में आता है। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो पेशेंट सिर्फ थेरेपी से भी ठीक हो सकता है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जब केसेस ऐसे आते हैं जिसमें सीवियर डिप्रेशन है, तो उन्हें हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम ECT बोलते हैं, उसे भी हम यूज़ करते हैं। डिप्रेशन के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए अगर हम दवाइयों के साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जोड़ दें तो उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।